नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी और आप देख रहे हैं इन खबर। आपको पता है कि हथनी कुंड बैराज क्या है और इसका निर्माण कब हुआ, इसका उद्घाटन कब हुआ और ये आज जो दिल्ली के लिए मुसीबत बनी हुई है, इसकी वजह से जो हर जगह बाढ़ और पानी में लगातार वृद्धि हो रही है, घटने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली की जनता ये हथनी कुंड बैराज की वजह से परेशान है। आखिर इसका इतिहास, इसकी कहानी क्या है, आपको पता है? आपको मैं बताती हूँ। आज अपने इस प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे हथनी कुंड इतिहास के बारे में। दिल्ली इस समय बाढ़ की स्थिति का सामना कर रही है और कई इलाके पानी में डूब गए हैं। दिल्ली में आई बाढ़ के लिए हरियाणा के हथनी कुंड बैराज को जिम्मेदार बताया जाता है। जी हाँ, हथनी कुंड बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने से दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ जाता है। मानसून के मौसम के दौरान दिल्ली में यमुना नदी अपनी पूरी क्षमता तक बढ़ जाती है, जिससे इसके किनारे रहने वाले लोगों के लिए खतरा पैदा हो जाता है। हथनी कुंड बैराज से यमुना नदी में छोड़ा गया पानी दिल्ली में जल प्रवाह को नियंत्रित करने में मुश्किल पैदा कर देता है। ऐसे में आइए जानते हैं इस बैराज का इतिहास। हथनी कुंड बैराज दिल्ली में महज 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बैराज से छोड़ा गया पानी पड़ोसी राज्य दिल्ली में तबाही मचाने की क्षमता रखता है। हथनी कुंड से दिल्ली तक पानी पहुंचने में लगभग 72 घंटे लगते हैं। हालांकि इन दिनों पानी का बहाव तेज होने के कारण समय कम हो गया है और पानी इससे जल्दी ही दिल्ली पहुंच गया है। आइए जानते हैं कि हथनी कुंड बैराज का निर्माण आखिर कब हुआ था। हथनी कुंड बैराज हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। सिंचाई उद्देश्यों के लिए इसका निर्माण 1996 में शुरू हुआ। इसका उद्घाटन 1999 में हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री बंसीलाल ने किया था। हालांकि इसने 2002 के बाद पूरी तरह से काम करना शुरू किया था, लेकिन इसे बनाया क्यों गया था इस बात का किसी को अभी तक पता नहीं है। दरअसल हथनी कुंड बैराज का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों से आने वाले पानी को नियंत्रित करना है। बैराज की लंबाई 360 मीटर है और इसमें 10 फ्लड गेट हैं। इस बैराज के निर्माण में लगभग 168 करोड़ रुपए की लागत आई। बैराज की क्षमता 10 लाख क्यूसेक पानी झेलने की है। वर्तमान में गेटों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है। और अगर बात करें इसके उद्घाटन की, तो ब्रिटिश शासन के दौरान जल वितरण को नियंत्रित करने वाला ताजे वाला बैराज 126 वर्षों तक बरकरार रहा, लेकिन कुछ दशक पहले बने हथनी कुंड बैराज में कई बार टूट फूट हुई। हथनी कुंड बैराज की आधारशिला 12 मई 1994 को रखी गई थी। उस समय 5 राज्यों के मुख्यमंत्री थे, जिनमें हरियाणा से भजन लाल, उत्तर प्रदेश से मुलायम सिंह, राजस्थान से भैरव सिंह शेखावत, दिल्ली से मदन लाल खुराना शामिल थे। हिमाचल प्रदेश से वीरभद्र सिंह भी इसमें शामिल थे। हथनी कुंड बैराज के निर्माण के बाद यहाँ से 5 राज्यों में पानी का बंटवारा भी तय हो गया। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये दिल्ली वालों के लिए लाभप्रद है या फिर नुकसानदायक। आपको बता दें कि हथनी कुंड बैराज यमुना नदी से जल वितरण के उद्देश्य को पूरा करता है। दिल्ली की लगभग 60% जल आपूर्ति हथनी कुंड बैराज से होती है। यमुना नदी के मुख्य प्रवाह के अलावा हथनी कुंड बैराज से 2 नहरें निकलती हैं, पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर। हथनी कुंड बैराज ताजेवाला बैराज से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दिल्ली और यमुनानगर के बीच की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है। इसीलिए जब भी हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा जाता है तो उसे दिल्ली पहुंचने में लगभग 72 घंटे लगते हैं। बैराज के एक तरफ यह हरियाणा में यमुनानगर के करनाल और पानीपत के क्षेत्रों को लाभान्वित करता है, जबकि दूसरी तरफ यह उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, शामली और बागपत के कुछ हिस्सों को लाभान्वित करता है। इसके बाद यह पानी दिल्ली में यमुना नदी में मिल जाती है। बरसात के मौसम में बांध का जलस्तर बढ़ने से उसके टूटने का खतरा रहता है, इसीलिए अनावश्यक पानी को छोड़ दिया जाता है, जिसका दिल्ली पर विपरीत असर पड़ता है और लोग परेशान हो जाते हैं। तो एक तरीके से देखें तो ये दिल्ली वासियों के लिए नुकसानदायक तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ, जब बारिश का मौसम आता है तो उसमें कह सकते हैं कि ये लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकता है, जैसे कि अभी दिल्ली झेल रही है, बाढ़ की किल्लतों से जूझ रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और भी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद।